Hello students, in the previous video we have studied amplitude modulation, okay? And in amplitude modulation we have studied some basic topics, okay? Now on these basic topics we will solve some numericals today, okay? So first numerical is, an amplitude modulated signal is given to you, ST is equal to 20 1 plus 0.8 cos 2 pi into 10 ki power 3 t into cos 4 pi into 10 ki power 6 t. Okay. Now, in this question, it is asked that sketch the spectrum of AM signal. Okay. So, first is spectrum. Okay. So, we need to sketch the spectrum of AM signal. Second question here, it is to calculate the bandwidth of AM signal. So, bandwidth. And third question is power, total power PT. Okay. And with total power, you need to calculate sideband power and carrier power. And fourth question is calculate efficiency. Okay. So, these questions we need to solve for this standard AM waveform. Okay. So, यहां पर आपको एक AM waveform given है, सबसे पहले आपको इसका spectrum draw करना है, okay? So, जो आपको AM waveform का equation given है, उसे अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो देखिए, अगर मैं इसे standard equation से compare करूं, तो आपको सारी values मिल जाएंगी. Standard equation हमारा क्या होता है? AC 1 plus KA MT cos omega CT, okay? Now, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को तो देख सकते हैं आप mt की जगह यहां पर एक और cos है, ठीक है ना. देखिए 1 प्लस का फॉर्मेट है, यहां भी 1 प्लस है, ठीक है. बाहर में आपका एक cos होना चाहिए था, यहां भी आपका बाहर एक cos है. एक यहां पर एम्पलीट्यूड होना चाहिए था, यहां पर भी आपका क्या है, एक एम्पलीट्यूड है ac, ओके. बट यहां पर आप देख सकते हैं ka into mt की जगह यहां पर है 0.8 into cos, दैट मींस ये आपका सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का एग्जांपल है. इसका मीनिंग क्या है कि आप लोगों ने mt की वैल्यू यहां पर पुट की है am cos omega mt, ओके. लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ac 1 plus ma cos omega mt into cos omega ct, ओके. ma हमारा क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ka into am इज कॉल्ड ma. Now, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन से अब कि MA की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है, ओके. सो यहां से हम लोग MA लिख सकते हैं 0.8, ओके. AC की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है 20. Now, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी या मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है, 1 किलोहर्ट्ज. आप यहां से देख सकते हैं cos omega mt, तो यहां पर क्या है, cos 2 pi into 10 की पावर 3, that means fm कितना है आपका, 10 की पावर 3. Now fc को compare कर लीजिए, आप जानते हैं यहां omega c होता है, तो यहां पर क्या है, 4 pi into 10 की पावर 6, ये कितना है आपका, omega c, तो fc क्या हो जाएगा, आपको 2 pi से divide करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 into 10 की पावर 6, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, fc को 2 megahertz, okay. Now हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है स्पेक्ट्रम का, ठीक है. स्पेक्ट्रम हमें पता है सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए, आप लास्ट वीडियो को फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको स्पेक्ट्रम ड्रॉ करवाया हुआ है, ओके. सो यहां पर स्पेक्ट्रम हो जाएगा आपका sf वर्सेस f, ओके. तो यहां पर जो फर्स्ट थिंग हमें पता होनी चाहिए वो है कैरियर, ac / 2 कैरियर के रिस्पेक्ट में आपका एक इंपल्स आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, AC by 2 होगा amplitude, तो क्या हो जाएगा, 10. Frequency क्या होती है आपकी, FC, FC कितनी है आपकी, 2 megahertz. आप लिख सकते हैं 2 into 10 की power 6, अगर मैं यहाँ पर unit जो है वो hertz ले रहा हूँ तो, ठीक है. Now same आपकी negative side आ जाएगी, तो minus 2 into 10 की power 6 and amplitude is 10, okay. फिर एक आपका upper side band आता है FC plus FM पर, ओके. उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, AC MA by 4, ठीक है. तो यहां पर आप देख सकते हैं AC कितना है, 20 into 0.8 divided by 4, ओके. सो 20 by 4 कितना हो जाएगा आपका, 5.
5 into 0.8 कितना आंसर आ जाएगा आपका, 4 हो जाएगा आंसर फिर से। तो आप देख सकते हैं जो 4 है वो 10 से स्मॉलर होगा। हमने डायग्राम में भी देखा था वहां पर कि जो अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड के एम्पलीट्यूड होते हैं वो कैरियर के एम्पलीट्यूड से स्मॉलर होते हैं। तो कितना हो जाएगा एफसी प्लस एफएम, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 × 10⁶ प्लस एफएम मींस 10³। नाउ सेम आपका नेगेटिव साइड भी आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहां पर अगेन 4 − 2 × 10⁶ −10³। नाउ जो लोअर साइड बैंड है वो आएगी आपकी एफसी माइनस एफएम पर, सेम एम्पलीट्यूड होगा आपका। तो कितना हो जाएगा एफसी −10³, सेम आपका नेगेटिव साइड भी हो जाएगा, अगेन एम्पलीट्यूड कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। सो माइनस एफसी प्लस एफएम, ओके। सो यहां से हमारा स्पेक्ट्रम ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। मैंने यहां पर स्पेक्ट्रम डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया है, बट आप जस्ट लास्ट वीडियो पे जाएंगे अगर तो मैंने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना सिखाया हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ओके। नाउ आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है आपका बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आप स्पेक्ट्रम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला लिखाया हुआ है एएम के लिए। बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है आपका 2fm, सो 2fm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 kHz। सो दिस इज द बैंडविड्थ फॉर एएम सिग्नल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर, ओके। पावर का फॉर्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं, पीटी इज इक्वल टू पीसी 1 + ma² / 2। सो पीसी कितना है होगा आपका, पीसी होता है ac² / 2, ओके। मींस 20² / 2 1 + ma, ma कितना है 0.8² / 2, ठीक है। इसे अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो आपका पीटी भी यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से फॉलो की हुई है तो क्वेश्चन जस्ट आपके फॉर्मूला बेस है, ठीक है ना। नाउ इसी क्वेश्चन में आपको साइड बैंड पावर भी बताना है। सो साइड बैंड पावर आपका क्या होता है, साइड बैंड पावर होता है आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप कर सकते हैं पीटी माइनस पीसी, ठीक है ना। टोटल पावर जो होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर पावर एंड साइड बैंड पावर, ठीक है। टोटल पावर आपको कैलकुलेट हो गया है, पीसी कितना होता है ac² / 2 होता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके कैलकुलेशन में आ जाएंगे। बट अगर आपको कोई फॉर्मूला यूज करना है तो हमने लास्ट क्लास पे फॉर्मूला भी यूज किया हुआ है। क्या होता है फॉर्मूला, ac² / ma² / 4, ये होता है आपका टोटल साइड बैंड पावर। तो ac² क्या हो जाएगा 20² × ma² 0.8² / 4, तो ये आ जाएगा आपका साइड बैंड पावर, ठीक है ना। यूनिट जो होगी हर एक पावर की कितनी होती है आपकी, वॉट होती है, ठीक है। कैरियर पावर भी आप निकाल सकते हैं ac² / 2 करके, क्लियर है पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया हुआ है लास्ट क्लास में, क्या होता है ma² / 2 + ma² सो 0.8² / 2 + 0.8², ओके। सो यहां से आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है पॉइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर भी आपको एक एएम वेव फॉर्म गिवन है, ठीक है, और आपको सारे के सारे पैरामीटर्स दोबारा से कैलकुलेट करने हैं। मींस क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक है, बस मैं एएम इक्वेशन को चेंज कर रहा हूं, क्लियर है पॉइंट। सो एएम इक्वेशन है 6 cos 2000 πt + 20 cos 2200 πt + 6 cos 2400 πt, क्लियर है पॉइंट। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है। नाउ आपको पता है कि ये एक एएम इक्वेशन है, आपको ये बात क्वेश्चन में बताई गई है। तो आप सोचिए, आपने लास्ट वीडियो में जो एएम के स्टैंडर्ड इक्वेशंस देखे हैं क्या वो किसी से मैच कर रहा है। अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन में 3 times cos कब आते थे, 3 times आपके cos आते थे जब आप सिंगल टोन मॉड्यूलेशन वाला इक्वेशन देखते थे, ओके ना। तो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था cos a cos b का फॉर्मूला
रख देने के बाद वो क्या था आपका, देखिए, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी एम ए बाय टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ओके, तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन था इन केस ऑफ सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब अगर मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना चाहूं तो हमें एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कि जो आपका अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड के कंपोनेंट है उनके जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है आपके। क्लियर है पॉइंट? तो आपको इस इक्वेशन में जो क्वेश्चन में गिवन है आपको पहले दो ऐसे कंपोनेंट ढूंढने हैं जिनके एम्पलीट्यूड सेम हो। तो आप देख सकते हैं 6 और 6 सेम है, इसका मतलब एक जो कॉस है वो अपर साइड बैंड को शो करेगा और एक कॉस आपका लोअर साइड बैंड को शो करेगा। क्लियर है पॉइंट? मींस जो थर्ड वाला कॉस होगा वो हमेशा ही आपका कैरियर को शो करेगा। ठीक है, बट और भी पॉइंट्स है जो सेटिस्फाई होने चाहिए। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर ए सी एम ए बाय टू को 6 ले रहा हूं, दैट मीन्स मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो 6-6 वाले दो टर्म है वो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड को शो कर रहे हैं। तो आपका ए सी कितना होगा? 20 होगा। लेकिन इसके लिए और क्या सेटिस्फाई होना चाहिए था? फ्रीक्वेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। ठीक है ना? तो अगर आपका ये वाला टर्म जो 20 cos 2200 πt वाला टर्म जो है वो कैरियर वाला टर्म है, दैट मीन्स जो आपकी एफ सी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ये 2200 πt जो है वो ओमेगा सी है, तो 2π से डिवाइड करेंगे तो एफ सी कितनी आ जाएगी आपकी? 1100 Hz। ठीक है, अब हमें पता है कि जो अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी है वो एफ सी प्लस एफ एम होनी चाहिए हर हाल में। ठीक है, और जो लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी है वो एफ सी माइनस एफ एम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो एफ सी है वो सेंटर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एफ सी से लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी उतनी ही लेस होनी चाहिए एफ सी से। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है इस इक्वेशन से मतलब हमने सही वैल्यू अज्यूम की है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो दोनों साइड बैंड्स में से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 2400 πt है, वो ओमेगा है। तो अगर हम यहां से एफ निकाल लें तो कितना हो जाएगा? 1200। तो इसे अगर हम एफ सी प्लस एफ एम लेके चल रहे हैं 1200, ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है आपका एफ सी से? 100। इसका मतलब जो एफ सी माइनस एफ एम है वो आपका आना चाहिए 1000, 100 लेस होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं यहां पर। देखिए यहां पर जो दोनों साइड बैंड में से जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 2000 πt है। 2000 πt डिवाइडेड बाय अगर 2π करूं एफ निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा? 1000। बिल्कुल करेक्ट आ गई फ्रीक्वेंसी हमारी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमने सही अज्यूम्शन किया था। नाउ अब हमें पता है कि ए सी एम ए बाय टू जो है वो 6 है और ए सी क्या है? 20 है। तो यहां से अगर मैं ए सी की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा? ए सी बाय टू कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। ओके, और 10 को अगर इधर ले जाऊं तो एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/10, दैट मीन 0.6 हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहां से आपको अब ए सी की वैल्यू नोन है, एम ए की वैल्यू नोन है, एफ सी नोन है, एफ सी प्लस एफ एम नोन है, एफ सी माइनस एफ एम नोन है, और एक्चुअल में आपको यहां से एफ एम भी नोन है। एफ एम कितना हो जाएगा आपका? 100 Hz हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेने के बाद अब अगर मैं इसे लास्ट क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो आप देखें लास्ट क्वेश्चन में आपको एम ए की वैल्यू नोन थी, ठीक है, ए सी की वैल्यू नोन थी, एफ एम नोन था और एफ सी नोन था। इतनी ही तो वैल्यू नोन थी ना जो आपको अभी इस क्वेश्चन में नोन है। तो आप बड़े आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। ठीक है, आपको सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और कमेंट सेक्शन में उन वैल्यूज को आपको पोस्ट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन अगेन 1 कैरियर सिग्नल 5 cos 2π × 10⁻⁶ एंड 1 मैसेज सिग्नल MT इज गिवन के 3 cos 6π × 10⁻³t। ओके, दिस टू सिग्नल्स आर यूज टू जनरेट AM सिग्नल। ओके, एंड कैलकुलेट द बैंडविड्थ पावर
के साइड बैंड पावर, कैरियर पावर, ओके, एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एफिशिएंसी, दैट मींस ऑल द पैरामीटर्स यू नीड टू कैलकुलेट. ओके, सो हियर एएम वेवफॉर्म इज डायरेक्टली नॉट गिवन, कैरियर सिग्नल एंड मैसेज सिग्नल्स आर गिवन. ओके, एंड दे आर यूज टू जनरेट एएम वेवफॉर्म. क्लियर है पॉइंट आप लोगों को? तो अगर मैं यहां पर कंपेयर करूं, सो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका एसी है वो कितना है, 5 है, ठीक है. एएम कितना है आपका, 3 है. एफसी, एफसी आप क्लियरली देख सकते हैं 1 मेगाहर्ट्ज 10 की पावर 6. एंड एफएम कितना है आपका, 6 पाई इंटू 10 की पावर 3, मींस कितना हो जाएगा आपका 2 पाई से डिवाइड करने के बाद, 3 किलोहर्ट्ज. क्लियर है पॉइंट यहां तक? नाउ अगर हम ये सारी वैल्यूज को ध्यान से देखें तो क्या जो जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट हो जाएगा? अगर मैं बात करूं बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ तो कैलकुलेट हो जाएगी, 2 FM कितना हो जाएगा, 6 किलोहर्ट्ज. कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे बैंडविड्थ के कैलकुलेशन में, ठीक है. तो फर्स्ट वैल्यू मेरी यहां से कैलकुलेट हो गई. नाउ अब अगर मैं बात करूं टोटल पावर की या साइड बैंड पावर की, तो दोनों के लिए मुझे MA चाहिए, ठीक है ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहिए. तो पहले मुझे MA कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है. और कोई वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट हो सके, पीसी, पीसी आपकी डायरेक्ट कैलकुलेट हो सकती है. पीसी कितनी होती है, एसी स्क्वायर बाई 2, मीन्स 25 डिवाइडेड बाई 2, ओके, वॉट. तो यहां से आपकी पीसी भी कैलकुलेट हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. अब जो मेन सारी चीजें कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है ना, पीटी, पीएसबी, एफिशिएंसी, सबके लिए आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू चाहिए. ओके, नाउ यहां पर अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? जब भी आपको एएम का इक्वेशन दिया रहता है तो आप बाय कंपैरिजन कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहां पर अब आपको एएम का इक्वेशन नहीं गिवन है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्लियर है ना पॉइंट? अगर सपोज करिए, अब अगर आप ये सोचे कि मैं एएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट कर लूं, एसी 1 प्लस के एम टी कॉस ओमेगा सी टी, ओके, तो ये आपका जो एसी और कॉस ओमेगा सी टी होता है वो क्या होता है, कैरियर होता है. ये आप पुट कर सकते हैं, एम टी की जो वैल्यू है वो आप पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपके सामने कि आपको के ए की वैल्यू नहीं पता, तो फिर से आप एम ए नहीं निकाल पाएंगे. पॉइंट क्लियर हो रहा है अच्छे से? तो यहां से एम ए निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं है स्टैंडर्ड इक्वेशन के थ्रू, ठीक है. और कोई तरीका एम ए निकालने का, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो कोई तरीका ही नहीं है एम ए निकालने का. तो जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना बचे मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने का, तब मैं आपको एक सिंपल सी फॉर्मूला बता रहा हूं, सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं. हमें पता है कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो यूनिट लेस वैल्यू है, और एक्चुअल में जब कोई भी ऑप्शन ना बचे तब आप सिर्फ ये यूज करेंगे, आपको ध्यान रखना है. तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है आपका, वो आपका होता है ए एम अपॉन ए सी, ओके, इट विल बी द लास्ट ऑप्शन. ये आपको ध्यान में रखना है. अगर और किसी तरीके से मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट हो सकता है तो आप उसी तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है पॉइंट? तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए एम अपॉन ए सी, ठीक है. तो यहां से कितना आ जाएगा आंसर आपका, ए एम की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 है. तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट? तो यहां से आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया 0.6. ओके, नाउ मॉड्यूलेशन इंडेक्स आते ही पीटी, पीएसबी, ईटा सबके आपको फॉर्मुलेस पता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सारे फॉर्मुले देखे हुए हैं. तो अगेन आपके लिए अब ये सारी वैल्यूज होमवर्क है, आपको इन्हें सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इन सारी वैल्यूज को आपको पोस्ट करना है, ठीक है. लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा है वो ये है कि जब भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने का कोई भी तरीका ना हो हमारे पास, सो हमें ए एम अपॉन ए सी कैलकुलेट करना है, वही आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, इन पीक एम्पलीट्यूड ऑफ ए एम सिग्नल इज गिवन. ओके, यहां पर आपको ये गिवन है कि पीक एम्पलीट्यूड ऑफ ए एम सिग्नल वेरीज फ्रॉम 4 वोल्ट टू 16 वोल्ट. ओके, और आपको कैलकुलेट करना है पीसी कैरियर पावर,
PSV, sideband power, and total power PT. Okay, clear a point? और यहां पर 4 to 16 क्या गिवन है आपको? Peak amplitude of AM signal varies. ठीक है? तो क्या हमने लास्ट वीडियो में ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ एएम सिग्नल का वेरिएशन हमने देखा हो? यस, हमने लास्ट टॉपिक देखा था एक, जहां पर हमने देखा था एएस मैक्सिमम, एएस मिनिमम. ओके, तो ये आपका एक्चुअल में क्या है? एएस मिनिमम 4 वोल्ट एंड एएस मैक्सिमम क्या है आपका? 16 वोल्ट. ओके, एएस मिनिमम एंड एएस मैक्सिमम आपके क्या थे? एम्पलीट्यूड थे ना मॉड्यूलेटेड सिग्नल के. सो अब इन्हीं एएस मैक्सिमम एंड एएस मिनिमम का यूज करके हम लोग यहां पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का कैलकुलेशन करेंगे. सबसे पहले तो हम लोगों ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में. एएस मैक्सिमम माइनस एएस मिनिमम 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय एएस मैक्सिमम प्लस एएस मिनिमम 16 प्लस 4. ओके, सो ये आपका कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 20. क्लियर है पॉइंट? यहां से हमें एमए कैलकुलेट हो गया. नाउ एएस मैक्सिमम एंड एएस मिनिमम की वैल्यूज का यूज करके हम एसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या होता है आपका? एएस मैक्सिमम प्लस एएस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2. तो ये कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट. ओके, नाउ पीसी क्या होता है आपका? एसी स्क्वायर बाय 2. ओके, सो एसी स्क्वायर इज 100 बाय 2, कितना हो जाएगा? 50 वॉट. नाउ जो आपका पीएसबी होता है, पीएसबी होता है आपका एसी स्क्वायर एमए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ओके, सो यहां से आप देखिए एसी भी आपको नोन है, एमए भी आपको नोन है, डिवाइडेड बाय 4 आप कर सकते हैं. क्लियर है? और लास्ट जो पीटी है वो कितना हो जाएगा? पीएसबी प्लस पीसी. क्लियर है पॉइंट? सो ऑनली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है ये. जो हमने लास्ट क्लास पे फॉर्मूला डिराइव किया था उन्हीं के ऊपर एक न्यूमेरिकल मैंने ले लिया है यहां पर. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फिफ्थ न्यूमेरिकल. इन दिस न्यूमेरिकल एंटीना करंट आपको गिवन है एएम ट्रांसमीटर की. ठीक है, व्हेन द कैरियर इज नॉट मॉड्यूलेटेड. सो एंटीना करंट आपको गिवन है 10 एम्पियर. ओके, ये गिवन है आई. तो ये आई जो गिवन है, ये गिवन है कि व्हेन द कैरियर इज नॉट मॉड्यूलेटेड. और आपको कैलकुलेट करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ओके, व्हेन द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड देन द एंटीना करंट इज 12 एम्पियर. ओके, सो मीनिंग क्या है आपको? एंटीना करंट आपको गिवन है जब कैरियर मॉड्यूलेटेड नहीं है, और एंटीना करंट आपको गिवन है जब कैरियर मॉड्यूलेटेड है. दोनों ही केस पे आपको एंटीना करंट गिवन है, और आपको जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो कैलकुलेट करना है. क्लियर है पॉइंट? अगर आप यहां ध्यान से समझें, जब कैरियर मॉड्यूलेटेड नहीं होता तो हमने लास्ट क्लास पे पढ़ा था वो नॉर्मल आपका कैरियर होता है, तो कितना हो जाएगा? आईसी. तो दिस इज योर कैरियर करंट. जब कैरियर मॉड्यूलेटेड हो जाता है तो उसे आप मॉड्यूलेटेड करंट के नाम से जानोगे, या हमने जो डिनोट किया था टोटल करंट आईटी. क्लियर है पॉइंट? तो बेसिकली जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था? आईटी इज इक्वल टू आईसी अंडर रूट 1 प्लस एमए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. क्लियर है? तो आईटी कितना है? 12. आईसी कितना है? 10. तो 1 प्लस एमए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. क्लियर है? तो यहां से आप बड़े इजिली एमए कैलकुलेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. ओके, इन दिस क्वेश्चन आल्सो एएम ट्रांसमीटर करंट इज गिवन. ओके, विथ मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5. तो एएम ट्रांसमीटर करंट आपको गिवन है यहां से आई इज इक्वल टू 12 एम्पियर, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको गिवन है 0.5. ओके, नाउ आपको बोल रहा है कैलकुलेट द एएम ट्रांसमीटर करंट व्हेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू 0.8. ओके, सो आपको एएम ट्रांसमीटर करंट कैलकुलेट करनी है जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स है आपका 0.8. क्लियर है? नाउ आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना है. जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी आपको करंट ही गिवन थी, लेकिन वहां गिवन था विथाउट मॉड्यूलेशन या विथ मॉड्यूलेशन. क्लियर है? यहां पर आपको ऐसा कुछ गिवन नहीं है, यहां पर आपको गिवन है एएम ट्रांसमीटर करंट. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एएम ट्रांसमीटर करंट मींस विथ मॉड्यूलेशन. ये आपको ध्यान रखना है. एएम दिया हुआ है ना, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो आपको विथ मॉड्यूलेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है. क्लियर है?
तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे यहां पर आई टी गिवन है 12 एम्पियर, फॉर एम ए इज इक्वल टू 0.5, मुझे अगेन आई टी ही कैलकुलेट करनी है फॉर एम ए इज इक्वल टू 0.8। तो अगर मैं यहां से आई टी का फॉर्मूला लिखूं तो आई टी का फॉर्मूला क्या होता है, आई सी अंडर रूट 1 प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? आप देखिए अगर आप फर्स्ट कंडीशन का यूज करें तो यहां से आपको आई टी पता है 12, आई सी आपको पता नहीं है, एंड आपको एम ए पता है। एम ए कितना पता है, 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके नाउ, तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि आई सी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ओके 12 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? नाउ अब अगर मैं फिर से कंडीशन का यूज करूं, ठीक है, तो हमें पता है फिर से आई टी इज इक्वल टू आई सी अंडर रूट 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाय 2 होता है। ठीक है, तो आई टी आपको अब कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आई सी आप यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आई थी आपकी 12 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एंड अंडर रूट 1 प्लस एम ए का स्क्वायर, मीन्स एम ए कितना है आपका 0.8 का स्क्वायर बाय 2। क्लियर है पॉइंट? सो यहां से आपकी आई टी कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन आपको गिवन थी वो सिर्फ और सिर्फ आईसी के कैलकुलेशन के लिए दी थी आपको, कैरियर करंट के कैलकुलेशन के लिए। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो ये आपके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स थे जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी थी, उनके रिविजन के लिए मैंने बहुत इजी न्यूमेरिकल कंसिडर किए थे यहां पर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टी टोन मॉड्यूलेशन स्टडी करेंगे फॉर एएम मॉड्यूलेशन, और उसके न्यूमेरिकल्स भी स्टडी करेंगे। ओके, अगर इन किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।